शाहजहांपुर में नामांकन के चलते कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अमर चंद्र जौहर ने सबसे पहले खिदनी बाग रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। यहाँ की जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि जो पिछले जो इतना रिकॉर्ड रहा है वो बेहतर नहीं रहा है, और मैं पेशे शिक्षक हूँ, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बढ़िया उसके तालमेल के साथ मिला के तालमेल करेंगे, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, किसानों का जो वाजिब जो फसल का दाम है उसको दिलाने का काम करेंगे। चुनौतियाँ क्या हैं आपके सामने? हमारे सामने कोई चुनौतियाँ नहीं। टक्कर मानते किसी से अपनी? टक्कर तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हमारे कोई टक्कर में ही नहीं है, मैदान साफ है। ठीक है, गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी, शाहजहांपुर की जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी। हमारे प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं जनाब अमर चंद जी जौहर साहब, बहुत लंबे मतों से ऐतिहासिक मतों से जीते। अध्यक्ष जी, आपके करीबी नेता मिथिलेश जी फंसे हैं स्टिंग में, कितनी बड़ी खुशी है या गम है आपको? आप साथ ही रहे हैं हमारे करीबी नेता, करीबी नेता सपा से, सपा के नेता रहे हैं करीबी, समाजवादी पार्टी में जब तक थे तो तब तक चाहे नेता छोटा हो या बड़ा हो, छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा हो, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में सभी का सम्मान है। अब जब जाने वाले को कौन रोके चले गए, अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये वो जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। नेता जी, जैसा कि भाजपा के लोग कहते हैं महामिलावट, अब ये मिलावट वाले लोग 29 अप्रैल को वोट शाहजहांपुर में पड़ेंगे, 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा, कौन मिलावट कर रहा है, किसने मिलावट की थी और जनता किसके साथ है, उसका रिजल्ट ठीक सामने 23 मई को सामने आ जाएगा।